पीछे बाथरूम आप लोग देख पा रहे हैं क्या स्थिति हो गया इसका। ये बिल्कुल ठीक था, पूरा ये ठीक था, एकदम कंप्लीट था। आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि ये पूरा ठीक था, लेकिन देखिए आंधी में क्या हाल हो गया। पूरा जो है ये पूरा टूट चुका है। इस साइड आ जाओ, तुझे दिखा दो। पूरा ये बाथरूम जो है आंधी में पूरा बर्बाद हो गया बिल्कुल। आप जो इसको फिर से, हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ये न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, मैंने जो बताया था आप लोगों की कितना ज़्यादा रात में जो आंधी आया था और उससे कितना ज़्यादा क्षति हुआ है कोचिंग सेंटर को, आप लोग देख पा रहे हैं। आप लोग देखिए पीछे की ओर, टीना जो है तहस नहस हो चुका है, बिल्कुल उड़ चुका है, और इसको जो है सही करना पड़ेगा। देख रहे हैं, नज़र आ रहा होगा यहाँ से ऊपर आसमान। देखिए ये सारा जो है आंधी में ही जो है उड़ फुड़ के पूरा एकदम बर्बाद हो गया था। उसको जो है फिर से सही किए हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही हुआ नहीं। इसको जो है पूरा और सही करना पड़ेगा, और इसको जो है ऊपर चढ़ के पूरा एकदम इसको फिर से सही करना पड़ेगा। देख रहे हैं, देखिए इतना आंधी तूफान में क्या हालत बन गया था। और पीछे और भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मैं भी वो भी आप सबको दिखाना चाहूँगा। ये जो है खुट्टा बांस का, ये भी पूरा टूट चुका है, ये टूट चुका है। और इसके बाद देखिए ये वाला लगा हुआ, बस ये भी टूट चुका है। तो कुल मिला के जो है बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। और उधर जो है मैं आप सबको बाथरूम भी दिखाऊंगा, वो भी पूरा टूट चुका है, बिल्कुल बर्बाद। तो अभी जो है मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और मेरे साथ ये एक लड़का है, ये भी आया हुआ, जो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ भी बोलते हैं इसको जाने के लिए जाता है। ये मेरा स्टूडेंट ही है, इसको भी हम लेके आए हैं अपने साथ में। और ही करना पड़ेगा, इधर से भी हम दिखाएंगे इसको, बोलेंगे आ जाओ दिखा देते। इधर साइड में नहर है, इस साइड यहाँ पे देखिए, इधर यहाँ जो ये पूरा ये बांस से लगा हुआ था, ये पूरा उड़ चुका है। यहाँ पर और दिखाते हैं आप लोग को, इधर आ जाओ, यहाँ पे देखिए, इधर से देखिए क्या बर्बादी क्या हुआ है। इधर देखिए पूरा उड़ चुका है, ये पूरा उड़ गया था। सुबह जब हम पढ़ाने के लिए आए थे तो जो है हम उसको पूरा मतलब सही किए हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इस इतना सही से नहीं होगा, इसको पूरा कंप्लीट सही करना पड़ेगा। फिलहाल जो है हम क्या करेंगे, बांस तो काटे हुए हैं, आप लोग वो वीडियो देखे होंगे कि बांस जो हम काट के रखे हैं वहाँ पर। तो अभी जो फिलहाल इसको क्या करना पड़ेगा कि जो है इसको थोड़ा बहुत इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ऊपर से जो है रस्सी वस्सी से बांध देंगे, ताकि जो इसको अगर फिर से आंधी तूफान आए तो नहीं उड़ पाए। और जो है थोड़ा जो है बांस वांस काटे हैं, कुछ दिन के बाद लेबर वेबर करना पड़ेगा, रुपया का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। रुपया का बहुत ज़्यादा समस्या है, आप लोग को पता है, वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया था उसमें। तो रुपया का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अब रुपया भी इकट्ठा करेंगे, अब लेबर जो रखेंगे उसको तो रुपया देना पड़ेगा ही, वो तो घर का नहीं है, हम लोग से जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। और बाकी लेबर रहेगा उसके लिए जो है रुपया ज़रूरी है, उसको तो देना पड़ेगा ही हर हाल में, लेबर को, अगर लेबर को नहीं देंगे तो वो रहेगा नहीं। तो मिला जुला के 5-10 दिन के बाद जो है लेबर रहेगा, और इसके बाद जो है आगे की काम होगा। इसको जो पूरा ये टीना को पूरा कंप्लीट करवाना पड़ेगा, इसको पूरा उखड़वा के जो है पूरा सही करवाना पड़ेगा। और प्लस बाथरूम भी जो है ये बाथरूम को भी पूरा ये बाथरूम को भी जो है सही करवाना पड़ेगा, क्योंकि बाथरूम भी ज़रूरी है। और आगे लेके चलते हैं इधर, और आप लोग को दिखाते हैं कुछ। ये जो है बहुत ज़्यादा ही जो है ये आंधी में टाइट हो चुका है, इसको जो है सही करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसको जो है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसको जो है ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और ऊपर चढ़ के इसको सही करना पड़ेगा, इसके बाद ही ये सही होगा। क्योंकि आंधी में जो है ये इस तरीका से इधर भी जो है ये मुड़ चुका है, अब जो है ऊपर चढ़ाते हैं इसको, और इससे जो है इसको पूरा ऊपर से दबा के इसको सही करवाते हैं। ओके,
दोस्तों पीछे देखिए, पीछे की ओर आप लोग देख पा रहे हैं ये बांस जो है इसमें अटैच था, ठीक है, लेकिन ये जो आंधी में जो है उड़ के, देखिए उस किस तरीके से हो गया है, आंधी में जो है उड़ के वो एकदम उधर चल गया। और यहाँ से कुछ व्यू देखिए, इधर पूरा मक्का ही मक्का है, और यहाँ से मेरा ऊपर से भी बाथरूम नजर आ रहा होगा, और साथ साथ जो है उधर एक घर भी है और पीछे ही मक्का है। हम यहाँ बैठे हुए हैं और इधर जो पीछे देखिए, इधर इस साइड यहाँ पर जो वो लड़का बांध रहा है उस साइड का है कि यहाँ पे थोड़ा चलना मुश्किल है, अगर इस पर चढ़ जाऊँगा तब तो हो गया, काम तमाम हो जाएगा, इसीलिए वो थोड़ा उसका थोड़ा बॉडी हल्का है, तो इसीलिए हम उसको भेजे हैं उधर। वो भी पूरा मेहनत से एकदम बांध रहा है पूरा। और इसमें होता है क्या, इसमें जो कटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, इस साइड यहाँ पे देखिए जो इसमें कटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, थोड़ा बहुत मिस होने के बाद जो है कट जाता है। और इधर देखिए, इधर ये टट्टी वगैरह जाफरी जो लगाए थे पूरा ये भी टूट चुका है। इधर देखिए तो ये सब पूरा तहस नहस हो चुका है, ये सब टट्टी भी जो है पूरा आंधी में ही नीचे टूट गया है, देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल जो है हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। और यही जो है आप लोग को दिखा रहे थे। यहाँ से दोस्तों ऊपर का देखिए नज़ारा, ऊपर भी सब कुछ बर्बाद हो चुका है, ऊपर भी जो है पूरा टीना उड़ गया है, देख रहे हैं ये पूरा एकदम जो है पूरा ये उखड़ा हुआ है, इसको पूरा सही करना पड़ेगा। और ये जो पहले बांस से सेट किया हुआ था, और पूरा ये जो आंधी तो आंधी में जो पूरा उड़ चुका है, इधर पूरा इसको पूरा सही करना पड़ेगा, नहीं तो जो है ये बारिश के समय में इसके बारिश। दोस्तों आप लोग ये वीडियो पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, और जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा कुछ संभव नहीं है, इसलिए आप लोग जो अपना प्यार बनाए रखें। और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको जो है ब्लॉग न्यू ब्लॉग मिलते रहता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए, जो मैं आप नया नया वीडियो नया नया जगह विजिट करता हूँ, तो आप लोग को जो है वहाँ पूरा अच्छा दिखाता हूँ अच्छे तरीके से, तो इसलिए जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दिल से सपोर्ट करें, मैं आपसे यही कहूँगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें।